आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाकर जीता हैदराबाद। मुंबई को 31 रनों से हराया। क्लासन ने 34 बॉल पर खेली थी 80 रनों की पारी। मुंबई के लिए तिलक वर्मा ने बनाई सबसे ज्यादा रन। तो क्या इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट दोस्तों जानने के लिए बने रहे वीडियो मत तक, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। हैदराबाद ने आईपीएल 2024 में पहली जीत हासिल कर ली है। टीम ने बुधवार को मौजूदा सीजन के 8वें मैच में मुंबई इंडियंस को 31 रनों से हरा दिया है। हैदराबाद ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। पिछला रिकॉर्ड आरएसबी के नाम दर्ज था। बेंगलुरु ने 2013 में 263 रन बनाई थी, जबकि आज के राजीव गांधी स्टेडियम में बुधवार को मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। हैदराबाद ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 277 रन बनाई। जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 246 रन ही बना सकी। पैट कमिंस और जयदेव उनादकट ने 2-2 विकेट लिए। हैदराबाद के लिए अभिषेक शर्मा ने 23 बॉल पर 63 रन, ट्रेविस हेड ने 24 बॉल पर 62 रन और हेनरिक क्लासन ने मात्र 34 गेंद पर 80 रनों की पारी खेली। एडन मार्करम ने आखिरी 28 बॉल पर 42 रन बनाई। मुंबई के लिए हार्दिक पांड्या और जयराल कूटजी को एक एक सफलता मिली। उसके बाद मुंबई के लिए बल्लेबाजी की बात करें तो तिलक वर्मा ने 34 गेंद पर 64 रनों की पारी खेली, जो कि मुंबई की ओर से सबसे बड़ा स्कोर था। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 6 शानदार छक्के लगाई। उनके अलावा टीम डेविड ने 44 रन और ईशान किशन ने मात्र 13 गेंद पर 34 रन बना दिए। उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 4 शानदार छक्के लगाई और 250 की स्ट्राइक रेट से रन बनाई, जबकि रोहित शर्मा ने 12 गेंदों का सामना करते हुए 26 रन बनाई और 3 शानदार छक्के लगाई। लेकिन हार्दिक पांड्या मात्र 20 गेंद पर 24 रन ही बना सकी और मुंबई को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। और हैदराबाद ने 31 रनों से बड़ी जीत हासिल कर ली है और आईपीएल 2024 का पहला मुकाबला जीतने में सफल रही है। सो दोस्तों, आपके अनुसार मुंबई आगे के मैच में वापसी कर पाएगी नहीं, हमें कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा। और क्रिकेट से जुड़ी इसी प्रकार की वीडियो के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।